हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूनम से 24 में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यम्मी मज़ेदार रेसिपी मशरूम चिल्ली, जो कि सभी का पसंदीदा रेसिपी है ये और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मशरूम चिल्ली बनाना। आज हम मशरूम चिल्ली बना रहे हैं। तो मशरूम चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मशरूम, गर्म पानी करके उसमें इसको डाल करके इसको निकाल दिए फिर, और इसको देखिए अच्छे से धो करके साफ़ कर लिए ठंडा पानी से। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ हल्का सा जरा सा पार्ट निकालना है और इसे कोई लेयर वेयर नहीं निकालना है, इसका हम कोई लेयर नहीं निकाल लेंगे। और ये देखिए बड़ा है मशरूम, बड़ा है तो इसके हम सिर्फ 4 टुकड़े करेंगे इस तरह से। सारे मशरूम को हम कट कर लिए हैं बड़े बड़े पीसेस में और इसे हम ट्रांसफ़र कर लिए हैं एक बड़ा बाउल में। और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है इसमें। तो हम पहले इसके अंदर हम मसाला डाल देते हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे तीखा लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको कम पसंद है तीखा तो आप स्किप कर दें। अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर और अब इसके अंदर जाएगा ऐड करेंगे लहसुन अदरक और खड़ा जीरा है इसमें और 2 हरी मिर्च, इसका पेस्ट हम डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक हम डालेंगे और इन सभी को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम डालेंगे देखिए कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च भी आप डाल सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर हम 1 चम्मच और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम 2 चम्मच के करीब हम डाल दिए। अब हम मैदा डालेंगे, मैदा भी हम उतना ही डालेंगे जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे, तो 1 चम्मच और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोटिंग कर लेंगे अच्छे से चम्मच से या फिर हाथ से, आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए बाउल में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सब अच्छा से लग गया है मशरूम के ऊपर। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और फ्राई करने के लिए हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं, डीप फ्राई करना है हमें तो हम इसमें तेल अच्छे से डाल दिए हैं। और अब हम एक एक पीस करके इसमें हम मशरूम डालते जाएंगे। मशरूम अच्छे से फ्राई हो रहे हैं हमारे। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम मशरूम फ्राई करने के लिए ऑयल में डालें, तेल में डालें, तो हमें अलग अलग करके मशरूम को डालना है, नहीं तो एक साथ डालेंगे ज़्यादा तो आपस में चिपक जाएगा। तो देखिए ये चिपक नहीं रहा है, हम अलग अलग करके डाले हैं और उतना ही डालें जितना अच्छे से फ्राई हो सके, जितना का बड़ा बर्तन है उतना ही डालें। तो अब हम सारे मशरूम को निकाल लेते हैं, साइड कट लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। सारे मशरूम हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं देख सकते हैं, और ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। स्टार्टर के रूप में आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। मशरूम हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम देखिए इसमें प्याज हम कट कर लिए हैं। ये प्याज के हम बड़े बड़े पीसेस पेटल्स को अलग कर लिए हैं कट करके, और अब इसमें और साथ में लिए हैं देखिए हरा वाला शिमला मिर्च। अगर आपके पास अवेलेबल है तो रेड और येल्लो वाला भी शिमला मिर्च आप डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए साथ में लिए हैं ग्रीन चिली हरा मिर्च, तो हम थोड़ा स्पाइसी बना रहे हैं। तो देखिए 5 से 6 हरा मिर्च है, 8 से 10 कली लहसुन का कली है जिसे हम ग्रेट कर लिए हैं और मिर्चा को महीन महीन काट लिए हैं। आप बड़े बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं, लंबा लंबा भी जूलियस स्टाइल में भी कर सकते हैं। और ये आधा इंच का टुकड़ा अदरक, हम इसे डबल फ्राई कर लेंगे, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। बहुत बढ़िया से फ्राई हो गया है, दोबारा भी
और देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो जब भी हम मशरूम चिली बनाए, पनीर चिली बनाए, गोभी चिली बनाए, सोयाबीन चिली बनाए, जिस भी तरह का हमें बनाना है, अगर जिसमें मैदा यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप कोशिश कीजिए कि डबल फ्राई कर ले इस तरह से, और ज़्यादा रेड भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम सारे मशरूम निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस ऑन करके, और इसमें एक चम्मच से भी थोड़ा सा कम हम इसमें तेल डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे देखिए ग्रेट किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब इसे हम हल्का इसे भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लो फ्लेम पे ही हम रखे हैं, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, पनीर। प्याज और शिमला को हम भून लिए हैं, ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, तो सिर्फ नरम करेंगे। एक दो मिनट हम इसे भून लिए हैं। हम इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस। देखिए हम दो चम्मच डाले हैं टोमेटो सॉस और एक चम्मच डाले हैं ग्रीन चिली सॉस। एक चम्मच हम डाल रहे हैं सोया सॉस और एक चम्मच हम डाल रहे हैं विनेगर। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी, काली मिर्च पाउडर चुटकी भर, और नमक हम ग्रेवी के अनुसार डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चीनी डालेंगे तो ये मत सोचिए मीठा हो जाए ग्रेवी, बैलेंस कर देगा हमारा टेस्ट। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम लो ही रहेगा। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक चम्मच हम अरारोट डालेंगे, एक ही चम्मच डालेंगे। और इसमें जो हम मशरूम को मैरिनेट किए थे तो उसमें पानी डाल दिए हैं थोड़ा सा, और इसी पानी से हम बैटर तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे इसका बैटर तैयार करेंगे ताकि इसमें लम्स न बने। अब हम इसमें बाकी पानी भी डाल देंगे। मशरूम चिली हम ड्राई बना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ेगा तो इसलिए हम इसे डाल देंगे ताकि सॉस हमारा अच्छे से पक जाए। सॉस हमारा अच्छे से पक गया है। दो मिनट हम सॉस को पकाए हैं हाई फ्लेम पर, डेढ़ दो मिनट पकाइए, बराबर चलाते रहना है ताकि हमारा चिपके नहीं सॉस तली में। अब हम इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर का हम बैटर घोल। इसे भी मिक्स करके मीडियम टू लो पे पकाएंगे। बढ़िया से सॉस हमारा बढ़िया से सूख गया है अच्छे से। अब हम इसमें मशरूम डालने का तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे स्प्रिंग अनियन हम रखे हुए हैं कट करके, और यहाँ पे इसका ग्रीन वाला पत्ता रखे हैं, और ये पूरा है तो इसे हम इसमें डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, आपके पास है तो ज़रूर डालिए। इसे हम लास्ट में डालेंगे, इससे इसका लुक बहुत ही अमेजिंग हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आ जाता है इससे। तो आप इसे ज़रूर डालें स्प्रिंग अनियन अगर है तो। और इसे हम मिक्स कर देंगे। सॉस हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए मशरूम। ये ड्राई मशरूम चिली हम बनाए हैं स्टार्टर जो होता है वो, तो इसमें हम ग्रेवी नहीं रखेंगे। अब हम इसको इसमें अच्छे से कोटिंग कर देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो कर दिए हैं। मशरूम चिली बनके हमारा रेडी हो गया है। हमारा यम्मी डिलीशियस
मशरूम चिली बनके रेडी है और बहुत ही टेस्टी बना है, आप देख सकते हैं। और स्टार्टर तो हम बनाए ही हैं, तो स्टार्टर के रूप में आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी मशरूम चिली बना है, आप एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। अब हम इस पे इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल देंगे, हरा प्याज, जो कि इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही इसका ज़रूरी पार्ट है ये, तो आप ज़रूर इसे डालें। और देखिए बहुत ही टेस्टी बना है हमारा मशरूम चिली, तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें, इसे इस तरह से आप इंजॉय कीजिए, या फिर आप इसे फॉक से इंजॉय कीजिए, जैसे मर्जी। देखिए बहुत ही बढ़िया से कुक भी हो गया है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, तो आप इसे जैसे मर्जी वैसे टेस्ट कीजिए। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला लुक मिल रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप रेस्टोरेंट में इंजॉय करते हैं, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में इंजॉय करते हैं, देखिए बिल्कुल वही हमारा मशरूम चिली बना हुआ है। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा हमारा रेसिपी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।